हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो ये देखिए हमारे गुलदावरी के प्लांट्स हैं, तो कुछ में कलियां आई हुई है तो कुछ में फ्लावर्स भी खिल गए हैं दोस्तों। तो इसी स्टेज पे और इस मौसम में दोस्तों, इसमें एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है एक ब्लैक कलर के इंसेक्ट होते हैं दोस्तों, जिसको माऊ भी बोलते हैं। तो वो इंसेक्ट का अगर अटैक हो जाए दोस्तों तो हमारे प्लांट्स की बढ़वार पे और फ्लावरिंग पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। और वो इस डंडी की टॉप पे चिपकते हैं, इसकी डंडियों की, और वहाँ से आते आते ये कलियों तक पहुँच जाते हैं और कलियों का रस चूस लेते हैं और हमारे प्लांट्स का भी रस चूस लेते हैं, जिसका के कारण हमारा कलियाँ भी नहीं खिल पाती और प्लांट्स की भी बढ़वार में बहुत अफेक्ट आता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज मुझे भी एक प्लांट मिला है, एक ही प्लांट में अटैक हुआ है और मैं उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हटाती हूँ, तो वही मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, ये है मेरा वो इकलौता प्लांट जिस पर माऊ ने अटैक किया है। दिख रहे हैं आपको ब्लैक वाला जो गुलदावरी के, तो मेरे एक प्लांट पर इनका अटैक हो चुका है दोस्तों। तो जबकि देखिए, मैंने इसको बिल्कुल ग्रो बैग में लगाया हुआ है। आपका अगर ग्रो बैग में है या पॉट में भी है तो आप ऐसे खड़े खड़े भी नहीं ला सकते हैं, पर मैं इसको क्या करूँगी ऐसे, ये देखिए बिल्कुल फ्री का ट्रीटमेंट। और ये अगर आपको दिख रहे हैं तो ये देखो पानी में जा रहे हैं काले काले तैर के, दिखते हैं ना। तो मैंने इनको मेरे ग्रो बैग को ज़मीन पर लिटा दिया है और मैं इसको तेज़ी मेरे पानी की पाइप से पे शॉवरिंग कर रही हूँ। तो सारे ऐसे ही मैंने जैसे ही लिटाया ना, तभी वो तो पानी टच होते ही तैर के निकलने लगे हैं। और बाकी रहे से इसको ऐसे, ये देखिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको पानी में, अगर दिख रहे हैं आपको तो ये देखो जा रहे ना तैर के। मैं इसीलिए सभी प्लांट से दूर इनको लेके बैठी हूँ, ये देखो। तो फिर हम चेक करेंगे इनको, जहाँ भी रह गया होगा वहाँ वहीं पे इसको टारगेट करके और शॉवरिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि लिटाने से पॉट में भी ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, और हम खड़े खड़े करेंगे तो थोड़ा पॉट में भी पानी चला जाएगा, फिर हमें पानी निकालना पड़ेगा। तो मेरे को तो ये सिंपल बिल्कुल आसान तरीका लगा कि इसको करके ऐसे और निकाल दिया गया। अगर ज़्यादा अटैक है आपका नहीं निकल रहा तो फिर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करिए। मैं तो इसको यही ट्रीटमेंट दिया है। और ये देखो हम अब हम देखते हैं इसको उठा के, कहीं दिखता है तो इसको हम वहीं पे टारगेट करके दोबारा कर देंगे। एक यहाँ रह गया ये यहाँ पर, हाँ। और तो देखो दोस्तों कहीं नहीं दिख रहा किसी डंडी में, ये डंडी थोड़ा नीचे की तरफ हो गई थी ना। अब मैं इसको ऐसे लिटा के इसको फिर दोबारा एक उसमें करूँगी। है ना दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका, बिना पैसे खर्च किए बिना मेहनत के, तो कोई मेहनत भी नहीं है इतनी कि भाई हमें कोई ये चीज़ लानी है, ये मिलानी है, ये घोलना है, ये छिड़कना है, कोई हमें पंप चाहिए, कोई स्प्रे बॉटल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों और बिल्कुल फ्री का ट्रीटमेंट है। यहाँ पर है, एक हाथ से कैमरा है ना और एक हाथ से मैं कर रही हूँ। तो ये लो जी, ये वाला भी गया। और ये देखिए दोस्तों, हम एक केक में ये देखो चेक करेंगे तो कहीं नहीं दिख रहा है ना। एक मिनट में पानी बंद कर देती, मेरा पानी वेस्ट हो। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा फ्री का ट्रीटमेंट। और देखो दोस्तों, किसी भी ब्रांच पे अब मुझे एक भी कीड़ा नहीं दिख रहा, और अगर दिखे भी दोस्तों तो यही वाला आसान सा तरीका अपना के। और हम ये देखो मेरे
पाँच इंची ग्रो बैग होगा ये, पाँच से सात इंची, पाँच इंची है। तो इसी में ये देखो मेरे गुलदावरी में कितनी अच्छी बडिंग आ रही है ना। मैंने कोई इसमें ज़्यादा वो भी नहीं, वो जो मैंने आपको लिक्विड पिछले वीडियो में बताया था सरसों की खली का कंपोस्ट, वो मैंने एक बार दिया है इसमें। और तो बाकी मैं अपना जो रोज दाल चावल का पानी हुआ और बनाना फर्टिलाइज़र, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो बनाना आते ही हैं, बनाना का यूज़ है मेरे घर में काफ़ी, तो बनाना पिल फर्टिलाइज़र एंड ओनियन पिल फर्टिलाइज़र यही मैं ज़्यादा देती हूँ। और आज ये मैंने आपके जो काले इंसेक्ट इसमें गुलदावरी में तो बहुत जल्दी लगते हैं, तो मेरा एक ही प्लांट था, ये देखिए कितनी गुलदावरी खिल रही है सारी, मगर अभी तक किसी में नहीं है। और शुक्र है कि ये वो मेरा अलग पड़ा था बिल्कुल, और मैंने देख लिया इसको, तो इसको तो मैंने कर दिया ट्रीटमेंट इसका, वो भी फ्री का ट्रीटमेंट। तो दोस्तों आप भी ऐसे करिए, क्योंकि हमारे गेंदे में और गुलदावरी में ही लगता है, ये देखो किसी भी गुलदावरी में बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं दिखेगा आपको, देखिए किसी में भी और किसी प्लांट में नहीं था, सिर्फ वो भी एक था। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने ना इसका मुआयना करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन पे, जैसे रोज़ हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं बड़ा, ऐसे इनका भी आप ध्यान रखेंगे ना। तो जैसे अब ये क्या हुआ कि इसमें अटैक तो काफ़ी था, मगर साथ के साथ मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो अब ये मेरे सारे प्लांट बाकी के भी बचे रहेंगे। अगर मैं इस पे ज़रा भी ध्यान ना देती, एक दो दिन लेट हो जाती, तो यही जो इंसेक्ट इतनी जल्दी दिन दूनी रात चौगनी दोस्तों फैलते हैं कि फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, फिर आपको नीम ऑयल का बार बार स्प्रे करो, ये करो वो करो, इतना सारा झंझट करने पड़ते हैं। इससे अच्छा आप रोज़ ही अपनी प्लांट्स की अच्छे से केयर करिए, अच्छे से इनको प्यार से देखिए, निहारिए रोज़ाना, और बड़ा सुकून मिलता है जब हम सुबह आके अपने प्लांट्स को फ्लावर्स को देखते हैं, तो मुझे तो बहुत ही आनंद आता है दोस्तों। तो देखते तो देखो सभी होंगे, सभी को जब हम लगाते हैं तो अपने अपने प्लांट बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें ना कहने का मतलब ये, थोड़ा सा हम इन पर ध्यान देंगे ना दोस्तों, तो ये इनको कुछ भी नहीं होगा, जैसे हम अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं तो, और बीमारियों से अपने बच्चों को बचा के रखते हैं, ऐसे ही इन प्लांट्स को भी दोस्तों प्यार दुलार दीजिए और इनका ध्यान रखिए। और ये मेरा आज का फ्री का ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।